नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हम एक्सेल में सीखेंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स बनाकर हम उन सेल्स या रो या कॉलम या रो एंड कॉलम को हाईलाइट कैसे करते हैं, इन चीज को सीखेंगे। ठीक है, आई होप आप रेडी होंगे। जैसे हम पहले देख लेंगे यहाँ पर जैसे लिखा है हाईलाइट सेल नेम, तो देखेंगे ये सेल के नेम जो है यानी नेम जिस सेल में लिखा हुआ उनके कैसे हाईलाइट हो जाते हैं वहां पर से देख लेंगे। पहले देखो, जैसे मैंने राम का किया तो यहाँ पर राम की जो सेल थी वो हाईलाइट हो गई। इसी प्रकार मान लिया राज को हम सेलेक्ट करेंगे तो राज की सेल हाईलाइट हो गई। तो इसी प्रकार नेक्स्ट शीट पर क्या है, नेक्स्ट शीट पर कह रहा है हाईलाइट इंटायर रो। तो देखते हैं हाईलाइट इंटायर रो का यूज हम क्यों करते हैं। जब हम किसी भी डेटा को मान लिया पार्टिकुलर देखना चाहते हैं, मान लिया यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से, उसको रूल अप्लाई करके मान लिया सुनैना का देखना चाहते हो, सुनैना पर क्लिक करेंगे, देखेंगे सुनैना का जितना भी डेटा था वो हाईलाइट हो गया, यानी उसकी पूरी इंटायर रो हाईलाइट हो गई। अब इसी प्रकार शीट थ्री पर देखेंगे जो हमारा दिया है हाईलाइट इंटायर कॉलम, तो ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हमने हाईलाइट इंटायर कॉलम का यूज किया है। देखेंगे इसको मान लिया यहाँ पर हिंदी, अब आप साइंस को देखना चाहते हैं साइंस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे साइंस वाला जो कॉलम है वो आपका हाईलाइट हो गया है। इसी प्रकार हम मान लिया यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस का पर क्लिक करेंगे तो सोशल साइंस का जो इंटायर कॉलम था वो हाईलाइट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शीट फोर पर पहुंचे गए, यहाँ पर लिखा है हाईलाइट इंटायर रो एंड कॉलम, इसका भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी न्यू रूल बना के यूज किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, फिर हम बनाना तो आपको बताएंगे। देख लिया, मान लिया यहाँ पर नितिन को सेलेक्ट करते हैं और नितिन का डाटा यहाँ पर हाईलाइट हो गया। मान लिया हमें नितिन के सिर्फ हमें टोटल देखना है, तो उसके लिए हम कॉलम पे आ जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई है, आपको भी बताएंगे कैसे बनाई हमने, और यहाँ पर किस पे टोटल पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे नितिन का जो टोटल है वो यहाँ पर 466 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यानी रो और कॉलम दोनों का पर कंडीशनल लगा के उनकी सेल को हाईलाइट करना सीखेंगे। आई होप आप रेडी होंगे। तो देखते हैं हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले चलो हम एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। मान लिया यहाँ पर नेम को हमें देखना है, तो सबसे पहले क्या है नेम वाले एरियाज को क्या करेंगे, यानी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे डेटा में, डेटा पर क्लिक करेंगे, डेटा टूल्स में आएंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अलाउ में आप एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट ले लेंगे, उसके बाद सोर्स में आप माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे सोर्स वाले बॉक्स में, उसके बाद जिसकी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, मान लिया पर नेम वाले नेम की लिस्ट बनानी है तो नेम वाले एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है नेम वाले यहाँ पर क्या है जो नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार हो गई है। अब देखेंगे यहाँ पर हम उसका यूज कैसे करते हैं, यानी हाईलाइट सेल नेम। ठीक है, तो सबसे पहले जिस सेल पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का न्यू रूल बनाना है उसे सबसे पहले क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पर केवल जो नेम है वो हाईलाइट हो, तो उसके पहले सबसे पहले नेम वाली लिस्ट को यानी नेम वाली रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम पे जाएंगे, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू रूल्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे डाउन में लिखा है यूज आ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर आके आप माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे लिखा हुआ है इसी में बॉक्स आएगा, आपको लिखा है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, तो यहाँ बॉक्स में आकर आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे जो वहां पर क्या हो जाएगा आपका कर्सर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर लेंगे नेम वाले यानी जहां पर नेम लिखा वहां पर
सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद यानी ये हमारी कॉलम में लिखी हुई है, तो क्या करेंगे इस कॉलम को हम क्या कर देंगे, कॉलम को फिक्स कर देंगे और रो को फिक्स नहीं करेंगे। तो रो को फिक्स ना करने के लिए हमें क्या करेंगे, कीबोर्ड पर अगर लैपटॉप आपके पास है तो F1 के साथ F4 बटन प्रेस कर देंगे। जब आपके सामने दो बार आप F1 के साथ F4 बटन का प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखेंगे जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा और रो अनफिक्स रहेगी, यानी रो फिक्स नहीं होगी। उसके बाद आप इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मान लिया इस सेल की, यानी ये इस किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट के उस सेल में जो लिखा हो वो आना चाहिए। उसके लिए वहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आप देखेंगे लिखा है फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट कैसा लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपके पास जिस फॉर्मेट में आपको उसको हाईलाइट करना हो उस फॉर्मेट को आप ले लेंगे। मान लिया यहाँ पर हमें इस कलर ग्रीन में चाहिए, या हमें मान लिया हमें रेड में चाहिए, तो रेड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, फिर आपके पास पुनः यहाँ पर फॉर्मेट वाला है उस पर ओके प्रेस करेंगे। आप क्या करेंगे, आप ड्रॉप डाउन जहाँ पर लिस्ट बनाई थी वहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर अभी हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि इस सेल में कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, जिसका नाम जिस नाम पर क्लिक करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगी। मान लिया अंकुल पर क्लिक करेंगे तो देखो अंकुल का जो नेम है वो हाईलाइट हो गया है। इसी प्रकार हम किसी श्याम पर क्लिक करेंगे तो देखो श्याम वाली सेल हाईलाइट हो गई है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार हाईलाइट सेल नेम को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा न्यू रूल बनाकर उसे यूज कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट शीट पर पहुंचेंगे। यहां पर लिखा है हाईलाइट इंटायर रो, ठीक है, हम हाईलाइट इंटायर रो तो देखेंगे मैं हाईलाइट पूरी इंटायर रो को कैसे हाईलाइट करते हैं। उसके लिए आप पुनः उसी प्रकार यहां पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे वहां पर माउस का लेफ्ट यानी उस सेल को वहां पर एक्टिव करेंगे। मान लिया हमें यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो यहां पर क्लिक करने के बाद आप डेटा में जाएंगे, फिर आएंगे डेटा टूल्स में, वहां पर आपको डेटा वैलिडेशंस मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अलाउ में एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद सोर्स में आकर आप क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस नेम को यानी लेना है उस वाले नेम्स को लेकर आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, ठीक है। आप देखेंगे इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हम करेंगे जिससे रो हमारी पूरी जो है हाईलाइट हो जाए। जैसे रोहन, यहाँ पर रोहन अगर हम सेलेक्ट करें तो रोहन का पूरा डेटा वो हाईलाइट हो जाए। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे होम में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आकर आप न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। उसी प्रकार आप यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, उस पर आकर माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे जिससे वहां पर क्या हो जाए, कर्सर एक्टिव हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को जरा हम यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे इधर ड्रैग कर लेंगे समझने के लिए थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और पूरी इंटायर रो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इंटायर रो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम कॉलम को फिक्स कर देंगे, रो को अनफिक्स रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉलम को फिक्स कर देंगे और रो को फिक्स नहीं करेंगे। उसके लिए आप लैपटॉप पर F1 के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे तो आपके क्या रो फिक्स हो जाएगी। दोबारा आप F1 बटन लैपटॉप पर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपके कॉलम फिक्स हो जाएगा और रो
फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद आप इक्वल बटन प्रेस करेंगे और आप जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाइए उस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे उसी में फॉर्मेट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब उसको आप किस प्रकार का फॉर्मेट देना चाहते हैं, मान लिया हम उसका येलो फॉर्मेट देना चाहते हैं, येलो में वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पर पुनः आपको फिर वो डायलॉग बॉक्स यानी कलर वाला ओके प्रेस करके ओके कर देंगे। पुनः उसके बाद आप जहाँ पर रूल लगाया था वो वाला बॉक्स दिखेगा, उसमें भी आप ओके प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारी जो रोहन की थी वो पूरी सेल क्या हो गई है, हाईलाइट हो गई है। तो इसी प्रकार मान लिया अब हम प्रीति का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बना रखी है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन से क्या ले लेंगे, प्रीति लेंगे। तो देखेंगे प्रीति का जो पूरा डेटा था यानी रो में, वो पूरी सेल क्या, रो क्या हो गई, हाईलाइट हो गई है। इसी प्रकार हम मान लिया किसी और का देखना चाहते हैं, राम का देखना चाहते, तो राम पर क्लिक करेंगे तो राम का जो पूरा डेटा है इंटायर रो में, वो पूरी रो क्या हो गई है, हाईलाइट हो गई है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट शीट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शीट पर लिखा है हाईलाइट इंटायर कॉलम, हाईलाइट इंटायर कॉलम। तो देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से न्यू रूल बनाकर कॉलम को कैसे हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला काम रहेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर। तो जहां पर बनाएंगे माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा में जाकर आप क्या करेंगे, डेटा टूल्स में आएंगे। डेटा टूल्स में आने के बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, अलाउ में एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट ले लेंगे। उसके बाद सोर्स में आकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। अब आप ध्यान रखना सिर्फ कॉलम वाली वैल्यू को ही क्या करना, आपको उसका ही डेटा वैलिडेशन बनाना है। मान लिया हमें इनका नेम, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ड्राइंग, टोटल, परसेंटेज, इनका क्या, इन कॉलमों का क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है। तो इन वाले कॉलमों के क्या हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो उस वाले एरिया को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने क्या है, कॉलम वाले देखेंगे। यहाँ पर नेम, हिंदी, इंग्लिश सभी कॉलम की क्या बन गई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। मान लिया यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद देखेंगे न्यू रूल्स से कैसे बनाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूरी रेंज को, टेबल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर उसी प्रकार पुनः न्यू रूल में आ जाएंगे। न्यू रूल में आकर आप यूज आ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पुनः जहां पर फार्मूला लगाते हैं वहां पर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो जो सेल है वो हमारा जो कर्सर है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉलम फिक्स कर देंगे, रो फिक्स नहीं करेंगे अभी यहाँ पर। तो Fn के साथ आप क्या करें, F4 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने क्या है, एक बार प्रेस करेंगे तो क्या आपकी रो फिक्स हो जाएगी। दोबारा Fn के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्या है, जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा और रो अनफिक्स रहेगी। तो हमें क्या करना है, रो फिक्स करनी है, कॉलम फिक्स नहीं करना है। तो उसके लिए आप F4 बटन प्रेस करते रहेंगे जब तक आपका क्या आ जाएगा, यानी कॉलम के सामने डॉलर का सिंबल नहीं आया। तो देखो अब हमारे क्या हो गया, यहाँ पर से यहाँ पर हमारा जो है कॉलम फिक्स नहीं है और रो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे और आप जहाँ पर डेटा वैलिडेशन बनाया था उस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में आएंगे, आप उसका फॉर्मेट जिस तरीके का रखना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा आपका बॉक्स रह गया था उस पर ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉलम है वो आपका क्या है, इंग्लिश का जो कॉलम है वो पूरा इंटायर कॉलम जो है वो आपका हाईलाइट है।
इसी प्रकार हम देख लेते हैं, मान लिया हमें मैथ के कॉलम को हाईलाइट करना है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखो मैथ का पूरा इंटायर कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं परसेंटेज वाले कॉलम को हाईलाइट करना है, तो परसेंटेज वाले कॉलम को हम जो ही सेलेक्ट करेंगे वो हमारा परसेंटेज वाला कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। आई होप आपको इस प्रकार से कॉलम को हाईलाइट करना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं शीट 4 पर, यहाँ पर आपको हाईलाइट इंटायर रो और कॉलम दोनों को करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने हैं, हम यहाँ पर क्या रो की सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें और कॉलम की बना लें। तो इस वाली सेल में क्या करेंगे, रो को क्या करेंगे, रो वाले जो हैं उनका क्या करेंगे, नेम का यहाँ पर सभी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशंस में आकर अलाउ में एनी वैल्यू की जगह क्या ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम सोर्स पर कर्सर एक्टिव, सोर्स वाले बॉक्स में माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे जिससे जो हमारा कर्सर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप जिसकी यानी नेम वाले को हमें सेलेक्ट करना है तो नेम वाले एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके प्रेस कर लेंगे क्योंकि हमें नेम की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी थी। अब इसी प्रकार कॉलम, अब यहाँ पर कॉलम पर आकर नेक्स्ट सेल में जाकर अब इसका भी हमें क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। सेम उसी प्रकार डेटा टूल्स में आकर डेटा वैलिडेशंस पर आकर एनी वैल्यू की जगह आप क्या लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। उसके बाद सोर्स में आकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, आप इस जरा बॉक्स को माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक करके थोड़ा ड्रैग कर लेंगे डाउन की तरफ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम लेना तो कॉलम वाले एरिया को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो है कॉलम की लिस्ट बन के तैयार हो गई, यहाँ पर जो है हमारे वो नेम वाले बॉक्स की लिस्ट बन के तैयार हो गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसमें हम कैसे यूज करते हैं, यानी न्यू रूल बनाकर यानी रो और कॉलम दोनों हाईलाइट कैसे हों एक ही सीट पर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रो का लिया है, सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद आप क्या करेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे कंडीशन। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल्स पर आएंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। उसके सामने डाउन में आपको एक बॉक्स दिखेगा, उस पर उसकी लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, यानी लिखा है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू। तो यहाँ पर आप फार्मूला टाइप करेंगे यानी कंडीशंस देंगे उसे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली रो को क्या करेंगे, पूरी सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस वाली रो को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस रो को फिक्स ना कर कर कॉलम को आप फिक्स कर देंगे। उसके लिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पर FN के साथ F4 बटन दो बार प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा और रो फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उस पर आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F4 बटन प्रेस कर देंगे, दो बार प्रेस करेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो कॉलम है वो फिक्स रहेगा और रो फिक्स नहीं रहेगी। उसके बाद आप इक्वल प्रेस करेंगे, जहां पर आपने रो की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आप आ जाएंगे फॉर्मेट, यानी उसी बॉक्स में क्या लिखा हुआ, फॉर्मेट, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मान लिया हमें येलो कलर ले लेंगे फॉर्मेट में, यानी जो सेल रो हाईलाइट करे वो किसमें करे, येलो कलर में। येलो कलर लेने के बाद ओके प्रेस करेंगे और वो वाला कलर वाला बॉक्स ओपन होके यानी सेलेक्ट होने के बाद जिसमें हमने फार्मूला लगाया था उस वाले फार्मूला पर आने के बाद बॉक्स पर ओके प्रेस कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या उसने राम का जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट में है, तो उसके बाद क्या उसने राम की जो पूरी रो है वो हाईलाइट कर दी है।
अब देखेंगे इसी प्रकार कॉलम को हम ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पर क्लिक करेंगे, पुनः उसी प्रकार यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। जहां पर हमें रूल लगाते हैं वहां पर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे बॉक्स में, यानी फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, यहां पर माउस की लेफ्ट बटन आकर क्लिक करेंगे, कर्सर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर लेंगे, इन वाले कॉलम को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम फिक्स नहीं रहेंगे, अब आपके यहाँ पर रो फिक्स रहेंगी, कॉलम फिक्स नहीं रहेंगे। उसके लिए आपके पास अगर लैपटॉप है तो FN के साथ केवल एक बार F4 बटन प्रेस कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, जो रो है वो फिक्स हो जाएगी और कॉलम फिक्स नहीं होगा, ठीक है। और आपके पास डेस्कटॉप है तो शिफ्ट के साथ आप F4 बटन प्रेस करें एक बार, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉलम फिक्स नहीं होंगे और आपकी क्या हो जाएंगी, रो फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, जहां पर आपने कॉलम की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उस वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद कह रहा किस तरीके का फॉर्मेट रखना चाहते हैं, मान लिया हम यहाँ पर रेड का जो हाईलाइट हो, रो रेड में कॉलम हाईलाइट हो, तो उसके लिए रेड कॉलम कलर ले लेंगे। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, यानी अब आपने जहां पर रूल लगाया था उस पे ओके प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे यहां पर आपका जो इंग्लिश में वाला जो कॉलम है वो पूरा क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है, और जो रो है वो आपकी हाईलाइट है, यानी राम का जो डेटा था वो वाली रो पूरी हाईलाइट है जिसमें राम का डेटा था, और इसी प्रकार इंग्लिश का जो कॉलम था वो टोटल हाईलाइट है। इससे हम स्पेसिफिक ये देख सकते हैं राम का जो इंग्लिश में नंबर थे वो टोटल 86 थे। इसी प्रकार हम मान लेते हैं किसी, यानी अपने रो पर आने के बाद मान लिया रो में हम जानना चाहते हैं नितिन, नितिन के मैथ में कितने नंबर है, तो नितिन पर आने के बाद कॉलम ले लेंगे, कॉलम में यानी हम मैथ का कॉलम ले लेंगे, उस पर सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो नितिन के नंबर मैथ में वो 80 हैं। तो इस प्रकार रो और कॉलम पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से न्यू रूल अप्लाई करके उन कॉलम और रो को हाईलाइट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।